फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 15 इंडियन पॉलिटी, इसका पार्ट खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट सेलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव कवर 1 to 18, ठीक है, 18 पॉइंट कवर कर चुके हैं। और पार्ट बी में हम लोग देखने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिसिज्म देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले सभी कुछ कवर हो चुका है क्लास में, समझ गए ना? हाँ, सभी कुछ कवर हो चुका है, 1 से लेकर 18 तक कवर हो चुका है। अब यहाँ पर देखें क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान तो बहुत खूबसूरत संविधान है, आरोप तो लगता ही है, हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर भी आरोप लगा था कि ये ट्रूली इलेक्टेड बॉडी नहीं है, इसमें पार्शली इलेक्टेड है और कुछ नॉमिनेटेड है। तो इस तरह जो हमारा भारत का संविधान है इसके ऊपर भी आरोप लगेंगे। तो देखो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम एंड एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, यानी कि जो भारत का जो संविधान बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तो इस पर भी आरोप लगता है। पॉइंट नंबर 1, ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं ना कि जो भारत का जो संविधान है वो 60 अलग अलग कंट्री से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, तो ये बोरोड है। मगर जो क्रिटिक्स है वो अपने जगह ठीक है, मगर एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि हमने एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं किया, जो चीज़ हमें चाहिए था उस हिसाब से कॉपी किया, और जो चीज़ वहाँ पर लूफॉल्स उसको भी हमने है ना ठीक करके कॉपी किया है। तो देख सकते हो क्रिटिक्स ने कहा है, देखो यहाँ पे समझो पॉइंट नंबर 1, क्रिटिक्स का ये मान है, क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो भारत का जो संविधान है वो नया नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, वो कॉपी पेस्ट है, ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बैग ऑफ बोरोइंग है, हॉच पॉच है, जो आया लिख दिए, पैच वर्क है, यानी कि कॉपी पेस्ट है। मगर ठीक है, ये अपना दलील है क्रिटिक्स का, मगर ये बात गलत है, क्रिटिसिज्म अनफेयर, इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फ्रेमर्स है संविधान के, जो निर्माता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके संविधान में रखा है सभी चीज़ को, ताकि इंडियन कंडीशन से वो स्वेटेबल हो सके, समझे ना? एट द सेम टाइम अवॉइड भी किया है फॉल्ट सबको, ऐसा नहीं कुछ भी आगे उठा के लिख दिया है, जो इंडियन सोइल्स में कंफर्टेबल होगा, जो इंडियन सोइल्स में फेवरेबल होगा, उसी प्रोविजंस को हमने लिया है, समझ गए? ब्लाइंडली हमने वो नहीं किया है। देखो यहाँ पे जब बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जानते हो चेयरमैन है, तो जब इस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा था तो फिर उठ के देंगे वो, है ना? तो मैं उनका ही शब्द पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास करना स्टूडेंट सब। One likes to ask whether there can be anything new in a constitution frame at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. The only new thing, if there can be any, in a constitution framed so late in the day are the variation made to remove faults and to accommodate it to the needs of the country. The charge of the producing a blind copy of the constitution of the other countries is based, I am sure, on an inadequate study of the constitution. अब कहने का मतलब क्या, ये तो भारी भरकम बोले हैं वो, अभी का बच्चा लोग अच्छा इंग्लिश होने के बाद भी नहीं समझ पाएगा, इतना अच्छा बी आर अम्बेडकर जी इंग्लिश में बोलते थे, ये बी आर अम्बेडकर बोला हुआ कोट बोला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला हुआ चीज़ है, पढ़ो इतना अच्छा कि इस लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस कर सको कि समझ ही में नहीं आया, समझो हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। देखो क्या बात हुआ, जो शुरुआत का जो संविधान बना है ना, वन लाइक टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू, क्या जो संविधान जो बनता है क्या उसमें कोई नया चीज़ थोड़ी रहता है? जो 100 साल पहले बन गया वो ड्राफ्ट हो गया, हो गया, नया चीज़ वही हो सकता है जो टाइम में कंफर्टेबल हो, जो टाइम के हिसाब से स्वेटेबल हो, जो बन गया उसके हिसाब से हमें फॉल्ट को ढूंढना है, रिमूव करना है, समझे ना, अकोमोडेट करना है कंट्री में, जो कंट्री का नीड है। द चार्ज अब हमारे ऊपर लगता है, आरोप लगता है कि हमने क्या किया, कॉपी, ब्लाइंड कॉपी किया। आई एम श्योर वो ठीक से संविधान सब नहीं पढ़ा है, यदि संविधान अभी का संविधान पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि कितना हमने कॉपी किया है, कितना हमने कॉपी नहीं किया है। जो अभी का जो नीड है उस हिसाब से संविधान को रखा गया, संविधान तो जाहिर सी बात है जो उस समय जो कंट्री में संविधान चला था उसका एक्सपीरियंस तो लेना जरूरी है, मगर यदि अभी का संविधान आप ठीक से नहीं पढ़े हो तो आप ये नहीं बता सकते हो कि हमने कॉपी किया कि कॉपी कितना किया है या कॉपी कितना नहीं किया है। इसलिए संविधान को पहले एलिबरेटली पढ़ना होगा और वो संविधान को ही पढ़ना होगा, तब जाकर पता चलेगा कितना चेंजेस है। तो कोई भी वर्क होता है तो वो तो हमेशा रेफरेंस रहेगा ही रहेगा, कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है जी, जो ओरिजिनल है वो भी कहीं ना कहीं से सोर्सेस है, तुम्हारा जो विचारधारा क्या तो ओरिजिनल है क्या, कहीं ना कहीं से वो मैच करेगा। तो कोई भी संविधान जो पहले भी संविधान बना था वो भी कहीं से कॉपी है, मगर वो संविधान इसलिए खास है कि वो समय के साथ बना है, उस समय का नीड्स को पूरा किया है। तो ये बी आर अम्बेडकर ने कहा है, समझ में आया ये चीज़, जो नया चीज़ जो हो सकता है, देखो द ओनली न्यू थिंग्स जो हो सकता है वो क्या है कि जो लेट जो रिफॉर्म्स किए उस हिसाब से किया जाए, डाला जाए कि ताकि फॉल्ट सब खत्म हो जाए और जो नीड है कंट्री का उस हिसाब से वो अकोमोडेट हो सके। आगे देखो, अच्छा
क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि कार्बन कॉपी है हमारा 1935 का एक्ट का, कार्बन कॉपी है हमारा भारत का संविधान, क्योंकि जानते हो 60 से लेकर 70% प्रोविजन यही है। तो इस चीज़ को, इस चीज़ पे जवाब दिया है बी आर अम्बेडकर ने, कोट करते हुए मैं बोलता हूँ, एज द इक्वेशन ऑफ दैट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस ए गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आई मेक नो एपोलॉजीज, देर इज नथिंग टू बी सेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, इट इन्वॉल्व्स नो प्लेजरिज्म्स, nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of the constitution, what I am sorry about this is that provisions taken from the government of india act 1935 relate mostly to the details of the administration. ab dekho kaise tanj kaise hai B. R. Ambedkar ji ne, unhone kaha hai ki jo equation laga hai hamare upar ki humne kya kiya hai ki humne copy kiya, correct, but हमने जो कॉपी किया, हमने गुड पार्ट, जो अच्छा हिस्सा था, ऐसा नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सभी चीज़ कॉपी की, जो जो अच्छा हिस्सा था उसको हमने कॉपी किया है, और इसमें कोई शर्म आने वाली बात नहीं, इसके लिए हमको कोई माफ़ी भी नहीं चाहिए, ठीक है, और हमको कोई शर्म नहीं है इसके ऊपर कि हमने कॉपी किया है। किसी के पास पेटेंट राइट्स नहीं है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल आइडियाज है किसी भी संविधान का, वो किसी का पेटर्न राइट्स नहीं है, वो कर सकता है कोई भी कंट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने जो कॉपी किया है केवल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही कॉपी किया है, हमें दूसरे जगह से भी कॉपी कर लेना चाहिए था उसका, बस हमने डिटेल्स ही एडमिनिस्ट्रेशन का ही किया, बाकी चीज़ नहीं किया हमने, इस चीज़ को लेकर हमको सॉरी है, यानी कि वो चाहते थे कि और कॉपी हो, इसको इस तरह भी देख सकते हो, तो इनको कोई सॉरी नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमने जो कॉपी किया है, इसको दूसरे टर्म में कहा जाता, हमने जो कॉपी किया है संविधान में, वो जो सबसे बेस्ट पार्ट था, जो सबसे एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो डिटेल्स था, उसको कॉपी किया है, तो हमको इस बात का दुख है कि हमने केवल उसको ही कॉपी किया है, समझ रहे हो, यहाँ पे देखो, अच्छा पॉइंट नंबर 3 देखो, आप देखो इसमें भी बात है, कितना बढ़िया बात किया गया यहाँ पे देखो, कि भारत का जो संविधान है वो अन इंडियन है और एंटी इंडियन, यानी कि इंडियन एलिमेंट है ही नहीं इसमें, कई लोग कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो भारत का स्पिरिट है, वो कुछ भी चीज़ भारत के संविधान में नहीं लिखा गया है। यहाँ कहा गया कि जो जो अभी के जो लोग सब है, यहाँ के जो लॉयर सब है, सब फॉरेन कंट्री से पढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया, दे सेड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अनसुइटेबल, पूरा विदेश का ही सब चीज़ है, बाहर से लिया गया है, इसलिए अनवर्केबल है, भारत में ज़्यादा नहीं चल पाएगा, इंडियन सिचुएशन से ये मैच नहीं कर पाएगा। तो देखो के हनुमत्या, ये काउंसिल असेंबली के मेंबर है, इन्होंने क्या कहा, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार, हम चाहते हैं कि वीणा और सितार का म्यूजिक हमें सुनने को मिले, मैं यहाँ तो इंग्लिश बैंड का आवाज़ मिल रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे इंग्लिश एलिमेंट मिल रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें इंडियन एलिमेंट हो, क्यों, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता है, बनाने वाले, सब उसी तरीके से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश बैंड के हिसाब से पढ़े हुए हैं, वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़े हुए हैं, कहने का मतलब ये हुआ, द आइडियाज ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल, यानी कि जो भी आइडियाज से बना है हमारा भारत का संविधान, वो भारत का जो फंडामेंटल स्पिरिट है उससे कोई मैच नहीं करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट प्रूव सुटेबल, ये संविधान आगे नहीं चल पाएगा, देखना तुरंत ब्रेक हो जाएगा, मगर देखो ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छे से ये संविधान चल पाया है। तो जो के हनुमत्ता, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो दलील था, ये तो फेल हो गया, और संविधान तो बहुत ऊपर चला गया, बहुत अच्छा काम किया है, बात समझे। हाँ देखो चौथा ये भी लगता है कि जो भारत का जो संविधान है वो अन गांधीयन, गांधी जी फादर ऑफ द नेशन, केवल नाम के लिए क्या, उनका कोई चीज़ तो आपने डाला ही नहीं, और डाला भी है तो DPSP में डाला है, तो खुद बी आर अम्बेडकर पर आरोप लगता है कि चूंकि बी आर अम्बेडकर और इनका 36 का आंकड़ा था, मिलता नहीं था दोनों का चीज, तो इसलिए जानबूझ के बी आर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स में इनका बात को नहीं दिया, इनका प्रोविजन को नहीं दिया लगता है, मगर जानते हो बी आर अम्बेडकर जो जी है वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, एक थेसिस अलग होता है, सिखाना अलग होता है, और उसको इंप्लीमेंट करना अलग होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो अन गांधीयन, जबकि गांधी जी इतना कुछ किए देश के लिए, मगर गांधी जी का कुछ प्रिंसिपल नहीं है उसके अंदर, हाँ इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द इंडियन नेशंस है, दे ओपन डेट कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव, इसमें बोला कि विलेज पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात होना चाहिए, जिसके लिए हम हर समय गांधी जी बोलते थे, चरखा चलाते थे ना, पंचायत का बात करते थे गांधी जी, ग्राम स्वराज का बात करते थे, वो बात तो कहीं अब दिए नहीं है आप, ठीक से फंडामेंटल राइट्स में दिए नहीं है। टी प्रकाशन जो कि एक मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है, और
बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन। ये जहाँ तक मुझे पता है ये कनाडा का के चीफ मिनिस्टर भी बने हैं बाद में जाके, तुम लोग जाके क्रॉस चेक कर लेना। कनाडा का के ये सेकेंड CM थे आई थिंक सो। टी प्रकाशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर रहे हैं उन्होंने कहा है कि देखो अंबेडकर जी कभी तो गांधी जी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे और हमेशा खफा रहते थे। शायद यही रीजन होगा कि गांधी जी वाला प्रिंसिपल संविधान में नहीं डाले, कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, समझ गए। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म कि अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। हाँ मगर जानते हो कि थीसिस अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। अच्छा DPSP में तो डाल दिया ना गांधी जी का चीज़। तो एलिफेंटाइन साइज, अब बताओ साइज मोटा है। अब देखो हंसी मजाक उड़ाता है हमारा संविधान का कि संविधान का जो फर्स्ट पेज देखोगे तो वहाँ पे हाथी है, देखो ये फिगर है। तो हल्के में लोग, हल्के में जो HB कामत ने कहा था कि जो एम्बलम हाथी है और संविधान भी हाथी है, बहुत मोटा है। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बल्कि है, टू डिटेल्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बेकार का प्रोविजंस भी है। तो HB कामत जो कि मेंबर हैं उन्होंने कहा कि एम्बलम जो है क्रेस्ट है उसमें आपने हाथी का चुना, और गजब बात यह है कि संविधान भी आपका हाथी वाला है, वो भी मोटा है आपका, इतना प्रोविजन डालने की क्या जरूरत है। ठीक है वो अपने अपने जगह है, आंसर तुम लोग को मिल चुका है, इतना डिटेल्स लिखा गया उसमें, इन्फेंट डेमोक्रेसी है, ये देश कैसे चलेगा, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के साथ जुडिशियल सुप्रीमेसी भी हमको ब्लेंड करना है, तो मोटा तो होगा ही होगा किताब। हाँ ये जो क्रिटिसिज्म लगता है, देखो इसका भी तोड़ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है आपका जहाँ खाली लीगलिस्टिक वर्ड है इसमें, ये पैराडाइज है लॉयर्स का, ये हैवन है ये। आखिर अधिकतर जो बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सब तो लॉयर ही सब लोग थे, अधिकतर लॉयर्स और पॉलिटिशियन ही थे। देखो क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो भारत का जो संविधान है बहुत ही लीगलिस्टिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉयर ने बनाया है इस चीज़ को, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल आदमी नहीं समझ सकता है इस चीज़ को, लीगल लैंग्वेज यूज़ किया गया है। ठीक है इसे और कॉम्प्लेक्स हुआ डॉक्यूमेंट, तो सर आइवर जेनिंग्स जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि ये लॉयर्स का पैराडाइज है भारत का संविधान, यानी कि भारत का संविधान जो बनाए लोग सब लॉयर्स लोग बनाए। मैं इस पे तोड़ भी है, तोड़ ये है कि भारत बहुत ही खूबसूरत देश है कि जहाँ पे इतना लॉयर्स है, जहाँ इतना कंट्रीब्यूशन देते हैं लॉयर्स सब इस चीज़ को लेके, तो इसमें भारत का क्या गलती है। तो भारत ब्लेस्ड है कि इस धरती पे इतने लॉयर्स लोग पढ़ाई करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, दैट्स इट कम्प्लीटेड। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया विद क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।